जिला कांग्रेस का स्थापना दिवस है और आज के दिन ही हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा अलका लांबा जी अभी कुछ ही देर में महिला कांग्रेस की सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है, ताकि महिला कांग्रेस सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जितने भी महिलाओं से संबंधित मुद्दे हैं उनको उठा सके, उनके साथ खड़ी हो सके। और मैं बताना चाहूंगी, ये बहुत खुशी की बात है महिला कांग्रेस के लिए, और हमें हमेशा इस बात पर गर्व होता है कि महिला कांग्रेस की स्थापना स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपने कार्यकाल में की थी। उनकी सोच थी कि महिलाएं ना केवल घर की चार दीवारी में रहकर कार्य करे, अपितु वो चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर बाहर निकलकर अपनी आवाज को बुलंद करे, उनकी भागीदारी जो है वो बढ़े। तो उनकी इतनी बड़ी सोच थी। उसके बाद उस समय से लेकर आज तक 15 सितंबर को हर वर्ष महिला स्थापना दिवस मनाया जाता है। हम उन्हें बहुत शिद्दत से याद करते हैं। आज हम उनको अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि महिला सशक्तिकरण का एक सबसे बड़ा उदाहरण आधुनिक उसमें अगर किसी का लिया जाता है तो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का स्वयं भी था, कि वो एक महिला होने के बावजूद भी जो उन्होंने इस देश के लिए कार्य किए वो अपने आप में एक उदाहरण है। और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए महिला कांग्रेस तब से लेकर आज तक निरंतर महिलाओं के हर मुद्दे पे अग्रिम पंक्ति पे खड़े होकर अपनी आवाज को उठा रही है। कांग्रेस की विचारधारा हमेशा से महिलाओं को आगे ले जाने की रही है। हम आज स्वर्गीय राजीव गांधी जी को भी याद करते हैं कि उन्होंने इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पंचायती राज संस्थाओं में और स्थानीय निकायों में महिलाओं को पहले 33% आरक्षण देकर शुरुआत की, जो बाद में 50% हुआ। और यही एक हमें रिजल्ट मिला उसका, एक ये बात सामने आई कि जब महिलाओं को एक मौका मिलता है तो महिलाएं अपनी जिम्मेवारी को, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, वहां पर अपनी योग्यता का लोहा मनवाती हैं। और आज पूरे देश भर में लगभग 14 लाख महिलाएं जो हैं स्थानीय निकाय और पंचायतों में चुनकर आई है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ये एक निरंतर प्रक्रिया है जिसको कांग्रेस पार्टी आगे ले जाना चाहती है। और हमेशा से कांग्रेस पार्टी की सोच यही रही है, और उन्हीं परिणामों के स्वरूप जो हमारे देश में प्रथम, चाहे वो मुख्यमंत्री बनी, चाहे प्रथम राज्यपाल बनी, प्रधानमंत्री बनी, स्पीकर बनी, तो ये उस सोच का नतीजा है। और उसी प्रक्रिया को हम आज सदस्यता अभियान की शुरुआत करते हुए, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को याद करते हुए, अपने बड़े नेताओं को याद करते हुए ये प्रक्रिया चलती रहेगी। और जहां पर भी महिलाओं के अधिकारों की बात होगी वहां पर जो है महिला कांग्रेस अग्रिम पंक्ति पर रहकर उनकी आवाज। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।